रोज के नाश्ते से हो गए हैं, अगर आप बोर तो आप बनाइए ये आलू और आटा का एकदम सॉफ्ट मुलायम टेस्टी नाश्ता, जिसे आप आराम से बना सकते हैं और आप अपने रोज के नाश्ते में भी बना सकते हैं, टिफिन में भी बना सकते हैं, कॉलेज ले जाने के लिए बना सकते हैं, स्कूल के लिए भी बना सकते हैं, और खासकर आप सफर में भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है बनाना और टेस्ट में तो पूछो ही मत, देख के ही समझ में आ रहा हो कितना ये सॉफ्ट है। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे 4-5 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को पहले से हम उबाल के और उसे क्रश करके रख दिए थे। आप पहले आलू को उबाल लीजिएगा और फिर इसे भी क्रश कर लीजिएगा। फिर हम इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 कप आटा, गेहूं का आटा लिया हम, इसमें कोई मैदा वैदा नहीं लेना है आपको। और 3 से 4 कटे हुए हरी मिर्च, हरे मिर्च को अगर आप मिक्सी में पीस लेंगे तो और आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका ये नाश्ता बिल्कुल चटक पटक सा बनेगा। आप इस तरह से भी खा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे इसके चटनी के साथ भी खा सकते हैं। नॉर्मली बच्चे तो ऐसे ही खा लेंगे। और इसमें डालेंगे फिर नमक अपने अनुसार और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च का पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं, हरे मिर्च को अगर आप पीस कर डालें तो हम ये बस ऐसे ही डाल दिए हैं ऑप्शन के उमन, मतलब आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो और हम इसमें डाले थे आमचूर का पाउडर और चाट मसाला डाले थे थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए नाश्ता को, आप इसकी भी कर सकते हैं। काफ़ी ये आलू उबले हुए आलू आटा का मतलब पराठे तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के सान देंगे और सानने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। ज़्यादा देर तक इसे नहीं रखना है, नहीं तो ये बेलने में दिक्कत आएगा। मैदा तो है नहीं इसमें कि आप इसे सॉफ्ट करने देंगे, ये ऑलरेडी सॉफ्ट रहता है। तो आप सिर्फ 1 मिनट के लिए उसे छोड़ेंगे, थोड़ा सा बेलने में थोड़ा सा ही हो जाए। डायरेक्ट ही आटा चाहे जो भी चीज़ रहता है डायरेक्ट ही तुरंत सान के बेलने पर सही नहीं रहता है, तो आप 1 मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिएगा। और जिस तरह से आप नॉर्मली रोटी बनाते हैं घर वाली नॉर्मली रोटी, आप इसे इसी तरह से बेल लीजिएगा। सारे को हम इस तरह से बेल लेना है, जिस तरह से आप रोटी जितना पतला आप बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से रहना है। थोड़ा सा रोटी से आपको हल्का मोटा ही रखना है, तभी तो लगेगा कि हाँ पराठे हैं, एकदम ही रोटी लगने लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर हम एक तवा, आपके पास जो भी तवा हो आप उस पर डाल दीजिएगा। और फिर जब ये एक साइड से हल्का सा जब ये सिक जाएगा तो फिर इसे थोड़ा सा पकने देंगे। जब ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा उठने लगेगा तो इसमें तेल लगा लेंगे। आप यहाँ पे घी भी लगा सकते हैं, और ऑप्शन पे बता रहे हैं कि आप यहाँ बटर भी लगा सकते हैं, बटर काफ़ी आपके सेहत के लिए अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपके पास बटर ना हो तो आप घी भी लगा सकते हैं, देसी घी, और तेल भी लगा सकते हैं, कोई भी तेल, मतलब सब मस्टर्ड तेल, फॉर्चून तेल, घी और बटर, आपके पास तो साफ ही 4-5 ऑप्शन है। बाकी आपको जो भी पसंद हो, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो, लेकिन अगर आपको इसे हेल्थी बनाना है तो आप बटर का ही प्रयोग करिएगा, हम यहाँ पे तेल ही का बना रहे हैं। तो इसी तरह से दोनों साइड से इसे कर लेना है। ये बिल्कुल ऐसे ही बहुत सॉफ्ट सा बन जाता है कि पूछिए मत, खाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब खाएं, लेकिन एक बार जब आप बनाएंगे तो बार बार जरूर बनवाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा लगता है ना, बता नहीं। आप ठंड के मौसम में आलू का पूरी मतलब जो बनाते हैं आप, उससे भी स्किप करवा के आप उसके बदले यही बनवाएंगे, आपका बचत भी होता है ऐसे, क्योंकि 4 ही 5 आलू में सारे लोग नाश्ते खा लेते हैं और बिल्कुल हल्का रहता है, आपके पेट भी हल्के रहते हैं और सेहत भी सही रहता है। और आलू का पूरी तो बहुत गर्मी भी करता है, नुकसान भी करता है, लेकिन उससे अच्छा ज़्यादा टेस्टी तो ये लगता है। आप इसे खीर के संग खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।